नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके संग एक नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसको बनाने के लिए सिर्फ हमें दो सामानों की जरूरत पड़ती है और बिल्कुल हलवाई स्टाइल में है। और आप देख सकते हैं, जितनी देखने में खूबसूरत लग रही है उतनी खाने में भी बहुत टेस्टी है। चलते हैं वीडियो की तरफ, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ एक पैन रखा है, यहाँ मैं एक कप यहाँ पे चीनी डाल रही हूँ। आपको जितनी क्वांटिटी में बनाना उस हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हैं। और यहाँ मैंने आधा कप पानी लिया है, इसकी हमें चाशनी बनानी है। उधर हमारी चाशनी बन रही है, इधर मैंने एक ट्रे ली है जिसमें मुझे भट्टी जमानी है। यहाँ मैंने एक बटर पेपर रख लिया है, इस तरह से लगाना है जितनी आपको किनारों से भी। और यहाँ पे हमें इस बटर पेपर को ग्रीस कर लेना है। तो मैं इसको ग्रीस करके रख लेती हूँ, जिससे हम भट्टी बनाएंगे तो जल्दी जल्दी से हमें इसमें जमानी होती है। तो मैं सबको ग्रीस कर लेती हूँ। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है और यहाँ मैंने दो कप मिल्क पाउडर लिया है। अगर जरूरत पड़ी तो हम बाद में और लेंगे, अभी मैंने यहाँ दो कप लिया है। आप कटोरी का, कप का, किसी का भी नाप ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चौथाई कप मैंने यहाँ पे देसी घी लिया है। अभी से हमें डाल के इसका घोल तैयार करना है। और थोड़ा सा यहाँ मैं दूध डालूंगी, चौथाई कप ही मैंने यहाँ पे दूध लिया है। बस घी को हमें थोड़ा सा और डाल देना है, बस अब जरूरत नहीं है। चौथाई में इस कप में से मैंने इतना सा घी बचा लिया है, इसको अगर जरूरत पड़ी तो हम यूज करेंगे, नहीं तो रहने देंगे। तो यहाँ मैंने ये डो इस तरह से तैयार कर रही हूँ। यहाँ मैंने घोल तैयार कर लिया है, ये बहुत जैसे मैंने गाढ़ा ही करा है, पतला नहीं करा है। इस तरह से इसमें मैंने 2 टेबल स्पून पानी डाल दिया था। और इसको हमें अच्छी तरह से करना है जिससे कि इसमें गांठे नहीं पड़े। यहाँ हमारी चाशनी बन चुकी है, चाशनी आप देख सकते हैं इस तरह से ये एक तार आ रहा है। तो इस तरह से इतनी बढ़िया चाशनी बननी चाहिए जैसे कि बिल्कुल आप देख रहे होंगे इस तरह से। तो यहाँ मेरी चाशनी तैयार है। अब मैं यहाँ पे जो मैंने ये बैटर बनाया है मिल्क पाउडर का, अब इसमें हमें डालना है धीरे धीरे से और इसको हमें चलाते जाना है। तो यहाँ मैं धीरे धीरे से डालती जाऊंगी और इसको चलाती जाऊंगी। इसे डाल के अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है जिससे कि इसमें गांठे नहीं पड़े। अब गैस को मैंने बिल्कुल धीरे कर रखा है दोस्तों, तेज नहीं करना है। अगर हम तेज करेंगे तो ये सारा हमारा बैटर जल्दी से पक जाएगा, ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ मैं सारे बैटर को डाल दे रही हूँ। यहाँ मैंने सारे बैटर को डाल दिया है, इसे हमें एक गाढ़े पेस्ट की तरह तैयार कर लेना है। इसको हमें लगातार चलाना है, इसमें बिल्कुल भी आप देख रहे होंगे डालने के बाद गांठे नहीं पड़ती है, फिर भी इसको हमें लगातार चलाना है। गैस को मैंने अब थोड़ा सा अभी मीडियम से कम से थोड़ा सा ज्यादा कर लिया है, लो मीडियम पे कर लिया है। इसे 3 से 4 मिनट तक हमें गाढ़ा पेस्ट बना लेना है। जब ये पैन छोड़ने लगेगा, जब ये हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो जाएगा, तो यहाँ 3 से 4 मिनट में इसको चला देती हूँ अच्छी तरह से। अगर आपके इसमें गांठे पड़ जाए तो इसको इससे हल्की हल्की सी, आप देख रहे होंगे हल्की हल्की सी जैसे गांठे पड़ जाती है, तो उनको इस तरह से आप हटा सकते हैं। और इसको इसलिए लगातार चलाना है जिससे गांठे भी नहीं रहे और गांठे भी हमारी सारी घुल जाए। ये पैन से छोड़ने लगा है और इसमें जब ये पैन से छोड़ने लगे तो यहाँ पे मैंने जो ये चौथाई थोड़ा सा मैंने घी बचा था यहाँ पे, इसको हमें डाल देना। इसमें से मैंने 2 चम्मच और डाल दिया और 2 चम्मच बचा लिया है। चौथाई कप लिया था, उसमें से 2 चम्मच बच गया है। तो ये घी को मिलाकर बस अब हमें उतार देना है। ये आप देख रहे होंगे पैन से इस तरह से ये छूटने, इसे अच्छी तरह से मिलाकर बस मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे ये ट्रे ले ली है, इसमें बटर पेपर लगा रखा था ग्रीस करके। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी पिस्ता डाल दूंगी इस तरह से आप देख रहे होंगे। और इससे हमें जो हमने बर्फी का बैटर तैयार करा है अब इसे हमें डाल देना। यहाँ आप कुछ कोई भी ड्राई फ्रूट पसंद है वो डाल सकते हैं, मैं यहाँ पिस्ता भी यूज कर रही हूँ। इस तरह से मैंने पिस्ता बारीक काट के डाल दिया। अब इस बैटर को हमें डाल देना है इस तरह से। यहाँ सारे बैटर को डाल दिया और एक मैंने थोड़ा सा बटर पेपर में कागज लगाया है, तो इस तरह से हम इसको फैला देंगे। आप जितनी मोटी पतली अपने हिसाब से इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ मैं इसको इस तरह से फैला दे रही हूँ। यहाँ मैंने बैटर को फैला दिया है और ये अच्छी तरह से ठंडी हो जानी चाहिए। यहाँ बर्फी बन के रेडी हो चुकी है, इसे मैंने 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब इसे हमें पीसों में काट लेना है। यहाँ मैंने सारे पीसों को काट लिया है। अब इसे हमें इसको इस तरह से पलट देना है टिश्यू पेपर को और इस तरह से हटा देना है। और आप देखते होंगे कितनी बढ़िया हमारी बर्फी बन के रेडी हुई है, बिल्कुल हलवाई जैसी। खाने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि हमने किस चीज से बनाई है। और बहुत ही टेस्टी बनी है ये बर्फी हमारी, देखने में इतनी प्यारी लग रही है। इसका टेक्सचर भी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है और लुक में भी जबरदस्त है और मुंह में रखते ही घुल जाने वाली है। कोई भी आपकी तारीफ करे बिना नहीं रह पाएगा अगर आपने ये बर्फी उनको बना के खिलाई। आज का वीडियो दोस्तों कैसा लगा लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, बाय बाय।